नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ग्लोबल एटॉमिक नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक के जो पेटेंट प्रोडक्ट है जिसने पूरे वर्ल्ड में तहलका मचा रखा है, हिमोहिम के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी जो अपने फ्रेंड्स हैं उनकी रिक्वेस्ट पे हमने इस हिमोहिम के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की है, तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपसे आज हम शेयर करेंगे इस वीडियो के रूप में। तो कृपया करके इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, ठीक है दोस्तों। ये जो हिमोहिम का जो प्रोडक्ट है, अभी एटॉमिक का जो वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है वो 15 कंट्रीज़ में है और ये प्रोडक्ट जा रहा है 90 कंट्रीज़ में, USA, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, 8 से 9 कंट्री में ये पेटेंट होकर के वहाँ पे कोलमार ने अपना प्लांट सेटअप कर रखा है और वहाँ पे ये बन रहा है। तो इसके पीछे कुछ खासियतें, कुछ खास बातें हैं जिनका हमें ख्याल रखना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हिमोहिम का जो प्रोडक्ट है वो एक मेडिकल मेडिसिन नहीं है। इंडिया में आप जितने भी लीडर्स हैं, कुछ लीडर्स हैं उनमें से जो गलत तरीके से प्रचार कर रहे हैं कि हिमोहिम का जो प्रोडक्ट है वो आप यूज़ करो, आज लो कल सुबह कैंसर ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक मेडिकल मेडिसिन नहीं है, सबसे पहले तो आप अपने दिमाग में जो ख्याल है उसको निकालिए, ठीक है। हिमोहिम एक मेडिकल मेडिसिन नहीं है, यह एक मेडिकल हेल्थ सप्लीमेंट है। यह सिर्फ एक हेल्थ सप्लीमेंट है जो आपके बॉडी को, जो इम्यून सिस्टम होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है बॉडी की, उसको बढ़ाता है। ये सिर्फ इतना काम करता है, ठीक है। तो आप इसको गलत तरीके से प्रचार मत कीजिए कि ये आज लो कल सुबह कैंसर ठीक हो जाएगा, इस तरह का ये मेडिकल मेडिसिन नहीं है। ये एक हेल्थ सप्लीमेंट है, जैसे आप दूसरी कंपनियों के हेल्थ सप्लीमेंट्स यूज़ करते हो और आपके बॉडी को वो फ़ायदा पहुंचाते हैं और आपका बॉडी ठीक हो जाता है, जिस चीज़ की कमी होती है वो पूरी हो जाती है आपके बॉडी में, उसी तरह से हिमोहिम आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है और उसके साथ में कुछ बॉडी के एक्टिविटीज़ हैं जो डैमेज सेल्स हैं उनको रिकवर करता है। तो आगे इस वीडियो में देखिए, आपके साथ हम पूरी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि हिमोहिम का जो प्रोडक्ट है वो 8 साल का रिसर्च प्रोडक्ट है। साउथ कोरिया में जो न्यूक्लियर रेडिएशन से जो हजार्ड हो रहा था, लोगों को नुकसान हो रहा था, उन लोगों को न्यूक्लियर रेडिएशन के इफेक्ट से बचाने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने 8 से 12 साल का प्रोजेक्ट रखा अंडर डॉक्टर वांग नूंग यांग के अंडर। यह कैरी प्लस कोलमार का ज्वाइंट प्रोडक्ट है। कैरी कोरियन एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो साइंटिस्ट हैं, 4000 से ज़्यादा उन्होंने रिसर्च किया है 8 से 12 साल तक कंटिन्यू, और कोलमार की कंपनी ने इसको बनाया है, ठीक है। और यह वहाँ की गवर्नमेंट सर्टिफाइड कंपनी है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा सपोर्ट किया गया है। इट इज़ नॉट ए मेडिकल मेडिसिन, जस्ट इट इज़ ए हेल्थ सप्लीमेंट, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह की चीज़ें हैं तो आपको समझना चाहिए इसके बारे में जो मेन की पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो आगे हम डिस्कस करेंगे कि जो इसका जो हेल्थ प्रोडक्ट्स है इसके बारे में, इसमें यह बताया गया है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको पेटेंट करता है, इम्प्रूव करता है। 8 साल का रिसर्च प्रोडक्ट है, R&D किया हुआ, नेशनल प्रोजेक्ट है, राष्ट्रीय प्रोजेक्ट है साउथ कोरिया का, फर्स्ट इंडिविजुअली अप्रूव्ड किया गया है ये फंडामेंटल हेल्थ सप्लीमेंट, ठीक है, फंक्शनल हेल्थ सप्लीमेंट। इसमें क्लियरली लिख रखा है कि फर्स्ट इंडिविजुअली अप्रूव्ड फंक्शनल हेल्थ सप्लीमेंट डेवलप्ड बाय कैरी एंड टेस्टेड बाय द कोरियन कैंसर सेंटर हॉस्पिटल। कोरियन कैंसर सेंटर का जो हॉस्पिटल है उसके द्वारा ये टेस्टेड किया गया है, ठीक है। और हिमोहिम का जो प्रोडक्ट है, इट इज़ मेड अप, ये किस चीज़ से बना होता है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको हम ये बताएंगे ये किस चीज़ से बना लो। इसमें 3 एडिबल हर्ब्स होते हैं। पहला जो है वो एंजेलिका रेडिक्स बोलते हैं। सेकंड होता है सिनेडियम रिजोमा। थर्ड है पेनिया रेडिक्स, ठीक है, जो कि इसमें क्लियरली दिखाया गया है, ठीक है। और जो एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, नेशनल पॉलिसी प्रोजेक्ट है, जो 8 साल का जो कोरिया में यह है एक नेशनल प्रोजेक्ट के तरह काम किया है, और उसके बाद USA, UK, फ्रांस, जर्मनी और इटली में ये बन रहा है। हिमोहिम इज पेटेंटेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स एज हर्बल कंपोजिशन फॉर इम्प्रूविंग एंटी कैंसर एक्टिविटीज, इम्यून रिस्पॉन्स एंड हिमोपोसिस ऑफ द बॉडी एंड प्रोटेक्टिंग द बॉडी फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डैमेज। जो आपके बॉडी का जो ऑक्सीडेशन सिस्टम होता है, रेस्पायरेशन सिस्टम होता है, आपके ब्लड को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, उसको ये इम्प्रूव करता है, ठीक है। और हर्बल कंपोजिशन के रूप में ये एंटी कैंसर जो एक्टिविटी होती है उनको इम्प्रूव करता है, जैसे आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम इम्प्रूव हो जाता है और आपके जो ब्लड सेल्स हैं, जो डेड सेल्स हैं, उनको ऑक्सीजन पूरी तरह से मिलने लग जाती है, तो वो रिजनरेट हो जाता है आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम, तो उससे आपके बॉडी को काफ़ी इफेक्ट होता है। इसके बारे में सबसे पहले दिखाया गया है, एक मिनट,
ये जो आप इसमें जो देख रहे हैं, ये जो अभी हमने आपको जो इसके तीन एडिबल जो हर्ब्स हैं, एंजेलिका रेडिक्स, सिनेडियम रिजमा और पैनिया रेडिक्स, ये तीन प्रकार के जो आप देख रहे हैं इनसे यह बना होता है, जो कि साउथ कोरिया में बड़े पैमाने पे पाया जाता है। फूड एंड बायोटेक्नोलॉजी टीम ऑफ कोरिया एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट डेवलप्ड बाई एज फंक्शनल बायो डिफेंस फूड फॉर पीपल फॉर डीलिंग विद रेडिएशन। जैसा कि मैंने बताया कि साउथ कोरिया में रेडिएशन का प्रभाव ज़्यादा है, तो उसको कम करने के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए था उनको जो वहाँ के कैंसर के रिस्क को कम कर सके। तो इसके लिए इन्होंने 8 साल का गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था वहाँ पे, रिसर्च प्रोजेक्ट, और कोलमार BNH कंपनी के द्वारा यह बनाया गया है, और इसको सपोर्ट मिला है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि हिमोहिम स्टैंड फॉर व्हाट। हिमोहिम प्लस नेम मीन, इसके नाम का मतलब क्या है? हिमो इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन। हिमो का मतलब होता है हीमोग्लोबिन। इट इज़ एन एब्रिवेशन यूज फॉर हिमोप्योसिस, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। जो आपकी ब्लड सेल्स होती है, रक्त कणिकाएं जिनको बोलते हैं, उसके लिए यूज होता है हीमोग्लोबिन। जो रेड कलर का पदार्थ होता है उसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। वन इज़ एन एब्रिवेशन फॉर इम्यून सिस्टम, ठीक है। एम इज़ एन एब्रिवेशन फॉर मॉड्यूलेशन। हिम इज ऑल्सो स्ट्रेंथ ऑफ इन कोरियन द प्लस रेफर एन इम्यून सिस्टम वर्जन ऑफ हिमो हिम, ठीक है। और बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं इसके हिमो हिम के, उसके बारे में हम जानेंगे अभी, ठीक है। बेनिफिट्स, स्ट्रेंथ इन द इम्यून सिस्टम, नेचुरल फंक्शन टू फाइट वेरियस क्रोनिक, जितनी भी आपके बॉडी में डिजीज होती है, क्रोनिक डिजीज होता है, आपके इम्यून सिस्टम अगर प्रभावशाली होगा, शक्तिशाली होगा, तो कोई भी डिजीज आपको छू नहीं पाएगी। दूसरा, आपके स्टेमिना ये इंक्रीज करता है, और जो भी आपका डेली की एक्टिविटी है उसको इम्प्रूव करता है। NK सेल एक्टिवेशन, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है NK सेल। NK सेल वो सेल होती है जो आपका इम्यून सेल होती है, ठीक है, जो जनरेटेड होती है आपके बोन मैरो में। बोन मैरो में NK सेल जनरेटेड होती है, और वो जो बॉडी से हानिकारक चीज़ें हैं उनको बाहर निकालती है। और जब हमारा NK सेल डाउन होता है तो इम्यून सिस्टम भी डाउन हो जाता है, और कैंसर सेल्स बढ़ जाती हैं बॉडी में। तो कैंसर सेल को ये NK सेल खाती है, और कैंसर NK सेल बनती है बोन मैरो में। तो जब हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम इम्प्रूव होगा, तो NK सेल जो ख़त्म हो गई हैं वो दोबारा से रिजनरेट हो जाएंगी, और वो कैंसर सेल्स को खा जाती हैं। प्रोडक्शन मोर वाइट वाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस, ये जो वाइट ब्लड सेल्स हैं और रेड ब्लड सेल्स हैं उसको प्रोड्यूस करता है। लाल और सफ़ेद रक्त कणिकाएं जो होती है उनको इम्प्रूव करता है बॉडी में, और इम्यूनिटी आपको ये इंक्रीज करता है, और इम्यून सेल एक्टिवेशन, जो सेल खराब हो गई है उनको दोबारा से ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है रेड ब्लड और वाइट ब्लड के सेल्स के द्वारा, और आपकी बॉडी का जो डिफेंस कैपेसिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है यहाँ से, ठीक है। तो एटोमी हिमोइम प्लस इज रिकमेंडेड फॉर द फॉलोइंग पीपल, यह किस प्रकार के लोगों के लिए लाभदायक है वो बताया गया है इसमें। क्रोनिक डिजीज़ पेशेंट, जिनको क्रोनिक डिजीज़ होती है वो, जिनका स्टेमिना कम होता है वो, और बड़ी एज में जो एनर्जी जिनको ज़्यादा चाहिए काम करने की क्षमता उनके लिए, और जो वर्कर्स होते हैं पूरे दिन एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो वो थकान महसूस नहीं करेंगे कंटिन्यूस काम करने के बाद, अगर डेली वो यूज़ करेंगे इसको तो वो। स्टूडेंट जिनको एनर्जी चाहिए पढ़ने के लिए ज़्यादा, एंड्योरेंस चाहिए फिजिकल उनके लिए, और लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइवर्स जो गाड़ी की ड्राइव करते हैं उनको एनर्जी चाहिए उनके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है, और जो हाउस वाइफ है पूरे दिन काम करते करते थक जाती है तो उनके लिए भी काफ़ी बेटर है, और जो एथलेटिक्स है जिनको ज़्यादा एनर्जी और पावर चाहिए फिजिकल एनर्जी के लिए उनके लिए भी काफ़ी यूज़फुल है ये प्रोडक्ट, ठीक है। और इसमें कुछ डिजीज़ दिखा रखी हैं, ये डिजीज़ हिमोइम प्लस फॉर हेल्दी इम्यून सिस्टम, ये जो भी डिजीज़ दिखा रखी है इन सब डिजीज़ में ये हेल्पफुल है, बॉडी के फंक्शन को इम्प्रूव करता है, ठीक है। आपके बॉडी का जो इम्यून सिस्टम वो स्ट्रेंथ होता है इसका, और एनके जो सेल है वो एक्टिव हो जाती है आपकी बॉडी की, जो कि कैंसर सेल को खा जाती है, और एनके सेल बोन मैरो में बनती है जो हार्मफुल सब्सटेंस को डिस्ट्रक्ट करते हैं, तो बॉडी में एनके सेल की कमी हो जाती है, इसके कारण कोई भी बीमारी आपको जल्दी से हो जाती है, ठीक है। और जैसा कि बताया गया अभी, रेड ब्लड सेल वाइट ब्लड सेल्स इसको ये इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इसमें। इम्यूनिटी एबिलिटी टू वर्क, ठीक है, जो आप काम करते हैं और जो आपके शरीर की पावर है और जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है, जिस जो आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके शरीर की ज़्यादा है, तो आपको कोई भी डिजीज़ जल्दी से खांसी जुकाम बुखार इस तरह से नहीं होगा, कोई भी बैक्टीरियल एंटीफंगल इन्फेक्शन नहीं होगा, उसको बोलते हैं हम इम्यून सिस्टम, ठीक है। हाउ टू फंक्शन हेल्थ सप्लीमेंट रिलेटेड टू इम्यून सिस्टम, यह एटोमी एक हेल्थ सप्लीमेंट है, वो आपका बॉडी के इम्यून सिस्टम को कैसे ग्रो करता है। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ इम्यूनोसाइट, आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम में इम्यूनोसाइट्स होते हैं, और इनहेंस देयर फंक्शन, उनके फंक्शंस को ज़्यादा करता है, और हेल्प डिस्ट्रॉय हार्मफुल पैथो, जो हार्मफुल पैथोजीन्स होते हैं उनको यह डिस्ट्रॉय करता है।
एंड डिस्ट्रोटेड सेल जो सेल खराब हो गई है उनको रीजनरेट करता है, ठीक है। और बेसिकली इम्यून स्ट्रेंथ रेगुलेट योर इम्यून सिस्टम, आपके इम्यून सिस्टम को ये बढ़ाता है, ठीक है। इसमें जो दिखाया गया है जिस तरह से आपके बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको ये बढ़ाता है, और ऑक्सीडेटिव डैमेज जो भी हुआ है उसको रिजनरेट करता है, ठीक है। एन के सेल्स इसमें ये दिखाया गया है कि एन के सेल्स का एग्जाम्पल दिखाया गया है, एन के सेल्स जो कि बोन मैरो में बनती हैं और उन और आपके शरीर उनका जो इफेक्ट होता है शरीर में हानिकारक तत्वों को बाहर निकालना होता है, रोगों से लड़ने की पावर होती है उनमें एन के सेल में। तो एन के सेल के जो फंक्शन होते हैं वो इसको लेने से इम्प्रूव हो जाते हैं, ठीक है। और आपकी बॉडी की इम्यून सिस्टम को ये बढ़ा देती है एन के सेल्स। इस तरह से ये जो इस डायग्राम में दिखाया गया है इस तरह से जो डिजीज़ है वो डेवलप होती है तो उसको धीरे धीरे कम कर देता है। अगर आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम बढ़ जाता है तो जो लिम्फ नोड्स होते हैं जो बड़े हुए हैं उनको भी ये ख़त्म कर देती हैं, एन के सेल्स इनको खा जाती हैं, ठीक है। इस तरह से आपके बॉडी का जो सिस्टम है वो इम्प्रूव होता है। जो दिमाग में जिसको ब्रेन हेमरेज कहते हैं, ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं दिमाग में, तो उनको रिमूव करता है ब्लड डॉट जो मिडिल में देख रहे हैं आप इसमें दिखाया गया, उनको ये क्लियर करता है। तो इसका प्रभाव काफ़ी हद तक ज़्यादा है। ये जो ब्रेन का मैप दिखा रखा है इसमें ब्लड क्लॉट का दिखा रखा है एग्जाम्पल, तो आपके ब्लड को ये सुचारू रूप से बनाए रखता है शरीर में। और ये वाटर की जो कमी हो जाती है सेल्स में जिस तरह से सेंटर में देख रहे हैं आप उसको कंट्रोल करता है मोइम 100 mg, ठीक है। तो राइट और लेफ्ट में आप देख रहे हैं ये कंट्रोल्ड हो रखा है आपके बॉडी में, ठीक है। तो इमोइम जितने भी जो इसमें डिजीज दिखा रखी है उसमें हेल्पफुल है, आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है ये, ठीक है। और जैसा कि अगर आप इमोइम यूज़ करना चाहते हैं तो आप जो हमारे नंबर्स दिए गए उस पर आप कॉल कर सकते हैं। अगर आपको इमोइम का प्रोडक्ट यूज़ करना है इंडिया में तो यह प्रोडक्ट अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, अभी मई का महीना चल रहा है तो साउथ कोरिया से हम प्रोडक्ट्स मंगवाते हैं, जो हमारे लीडर्स हैं वो लेकर आते हैं। ये इनके सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है, जो भी आप देख रहे हैं कैरी के द्वारा कोरिया के द्वारा सर्टिफिकेट्स हैं। और ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो इसको लेने से ठीक हुए हैं, ब्रेस्ट कैंसर जैसे हो गया, ये जो लेडी है इसका इंटरव्यू है साफ, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। जो फेस में जो दाने दाने हो जाते हैं हाथों में उसको ही बिल्कुल क्लीन करता है ये, ठीक है। जैसे ये हाथ का दिखा रखा है एग्जाम्पल, ये पहले ऐसे थे अब ऐसे हो गए, ये वर्कर्स के हाथ है जो काम करते हैं, ठीक है। तो अभी उनको इम्यून सिस्टम इम्प्रूव होने से इनको काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। और ये जो लेग्स में निशान देख रहे हैं आप ये भी काफ़ी इम्प्रूव होते हैं, इससे काफ़ी ठीक होते हैं काफ़ी हद तक। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। और अगर आप एटोमिक की ग्लोबल इंटरनेशनल टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आपको हर सिटी में पूरा का पूरा सपोर्ट मिलेगा। तो आप कॉल कीजिए और स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया उस पर कॉल कीजिए, आपके डिस्ट्रिक्ट में जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वहाँ आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा आपके एरिया के लीडर्स के द्वारा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर कुछ अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, और आपको एटोमी से रिलेटेड जो लेटेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।